वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको ईद की इन खुशियों में खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और एक बार फिर से ईद मुबारक आप सबको। और आपको बता दें, चलने के ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो हमारे साथ और बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर अपनी पहचान जो है पाकिस्तान हाँ, की बिल्कुल की पहचान। और अब जिन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है उनसे हम बहुत अच्छी बातें करने वाले, म्यूजिक की बातें करेंगे, फैशन की बातें करेंगे, ड्रामा की बातें करेंगे, प्रोडक्शन की बातें करेंगे, तो बहुत कुछ होने वाला है आज। अभी ड्रामा करेंगे, हम ड्रामे की बातें करेंगे। अब्दुल रहमान, क्या सीन है भाई, आज ईद का दिन है, मुझे वो खुशी नजर नहीं आ रही। आप क्या शादीशुदा तो नहीं हो गए आप? नहीं, मैं अभी अभी थोड़ा बाकी है उसमें। लेकिन देखें, ईद की बात हो जहाँ पे, जैसे माशाल्लाह हिना बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ऐसी बहुत सारे डिजाइनर्स और होते हैं कि जिनका ईद की वाले से जो कपड़े अच्छे ना हो तो मजा नहीं आता। तो उसी तरह हमारे जो गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका ताल्लुक भी जो है वो फैशन की फील्ड से है। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा कि मैम रबिया मिन्हास, अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। ये चेयरपर्सन है पीफा की और फैशन डिजाइनर है। इनका बिया कुट्योर के नाम से अपना फैशन ब्रांड भी है, और इनके साथ एक और पर्सनालिटी भी बैठे हैं जो फैशन की दुनिया से हैं। जी हिना। जी हाँ बिल्कुल, बताती चलूं कि हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं इमरान रशीद साहब, जो कि मीडिया कॉन्सेप्ट के सीईओ हैं। ये मीडिया कॉन्सेप्ट जो कंपनी है फैशन शोज कराती है, नेशनल लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के, इसके साथ साथ ड्रामास भी प्रोड्यूस करती है और बहुत कुछ करती है, सब चीजें हम जानेंगे। इसके साथ साथ पीफा के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी सबको बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इसके साथ ही जो सरप्राइज है वो आपको गौहर बताने वाले हैं, जो अभी गौहर अनाउंस करेंगे, एक सरप्राइज हमारे व्यूअर्स के लिए। और आप देखें कि हमने फैशन इंडस्ट्री की बात कर ली, हमने एसोसिएशन की बात कर ली, सब कुछ हो गया। तो हमारे मेरे दूसरी साइड पे जो इस वक्त मेरे गेस्ट मौजूद है, उनके आने से डेफिनेटली आप देखेंगे कि हमारा जो सेट है वो सज गया है। बिल्कुल, आन बान शान बढ़ गई है। चार चांद लग गए, चार नहीं आठ चांद लग गए। जनाब चार चांद तो छोटी बात है। हमारे साथ मौजूद है कवाली के हवाले से, गायकी के हवाले से, और पाकिस्तान में जो एक फोक, हमारा जो रिच कल्चर है उसकी मैं कहता हूँ कि नब्ज पे हाथ रख के मेरे इस दोस्त ने थ्रू आउट पंजाब, थ्रू आउट पाकिस्तान और फिर उसके बाद पूरी दुनिया तक अपनी आवाज का जादू जगाया है। खान साहब शेर मियादाद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या कहना चाहेंगे, ईद का दिन है, सबको ईद मुबारक जो हमारे चैनल देखने वाले हैं रॉयल टीवी, क्योंकि ईद ईद नाम ही है मिलन का, तो पैगाम तो यही है कि अगर कोई रूठा हुआ उसको मना के घर लाएं और बैठ के उसके साथ गपशप लगाएं, खाना खाएं। अगर वालदा हैं तो उससे माफ़ी मांगे, बाप है तो उससे माफ़ी मांगे, बहन भाइयों को सबसे पहले उनको लाएं, जिस तरह कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले अपनों का ख्याल रखें, अपनों को लाएं, जितना खाने पकाएं, हंसी खेली कर, इसका नाम ही इधर और इस तरह करना चाहिए। हमारा जो सेट है और उसके थोड़ी देर के बाद हम भी खाने की जानब चलेंगे, और ईद जो नाम है खुशियों का और वो खुशियां और मिल बैठने का, और हम सब मिल बैठे हैं आज। तो मेरा ख्याल है कि हमें बढ़ना चाहिए, हमारे जो आप कहें कि आज फैशन डिजाइनर भी। जी हाँ बिल्कुल, जब खवातीन ये प्रोग्राम देख रही होंगी, और हमने बताया होगा कि आज हम फैशन, हमारे साथ एक फैशन डिजाइनर मौजूद है, तो आई एम श्योर वो वेट कर रही होंगी कब हम बात करने वाले हैं कपड़ों की, क्योंकि कपड़े बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। वो कहती है नहीं भाई, एक ड्रेस हमने एक शादी पे पहन ली है, हम दूसरी शादी पे नहीं पहनेंगे। तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं। इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, हम कहते हैं कि हमने एक फंक्शन पे पहन लिया, चलो बहुत, हमने दो फंक्शंस पे भी पहन लिया, तो उसको किस तरह हम एक्सचेंज कर चेंज कर सकते हैं ना? थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये वाकई में कोई आम घरेलू औरतों के ना बस की बात नहीं होती है, और मसला हर घर में होता है कि एक पहन लिया, एक से दूसरी दफ़ा पहनती हैं, बल्कि बच्चियां, अब तो औरतें तो दूर की बात है, अब तो हमारी माशाल्लाह बच्चियां भी इतनी कॉन्शियस हो गई हैं, ये स्कूल गोइंग बच्चियां, वो भी कहती हैं कि नहीं मम्मा ये मैंने लास्ट टाइम पहन लिया था। अब उसके लिए हम ये करते हैं कि उसको हम अल्टरनेट उसका ढूंढते हैं कि इसका डाई हम चेंज कर दें, या उसका थोड़ा कट हम चेंज कर दें, या उसके काम को थोड़ा सा कर दें, बैक चेंज कर दें, फ्रंट चेंज कर दें। तो ये आसान काम नहीं है, बड़ी मगजमारी करनी पड़ती है, और अभी रमज़ान में तो पूरा मंथ मतलब इसी तरह से ही हम लोग करते रहे, और आज ईद का दिन है तो मैंने खुद काफ़ी हैवी ड्रेस पहना हुआ था, आप लोगों ने बुलाया, मैं फौरन चेंज करके आई हूँ। तो बस अब थोड़ा है कि रिलैक्स थोड़ा। अच्छा, अगर बात की जाए डिमांड की, रमज़ान में क्या चीज़ें जो है ज़्यादा डिमांड में रही? आजकल डिज़ाइनर पैंट्स बहुत इन हैं, क्यूलॉट्स इन हैं, सबसे ज़्यादा ख़वातीन ने किस चीज़ को पसंद किया? है ना, पता क्या
ईद इस बार समर में आई है, बहुत ज़्यादा गर्म गर्म ईद रही है, तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का बीच में मौसम अच्छा हो गया। हाँ, मौसम कुछ बेहतर हो गया। बताएं कि जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है उसकी जो प्रेडिक्शंस थी उसके हवाले से डेफिनेट मिला जुला जो हमारा है मौसम वो है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये था कि मैं हम लोगों ने ज़्यादा प्रायोरिटी सिंपल और बिल्कुल कैजुअल ड्रेसेस को दिया है, क्योंकि बिल्कुल भड़कीले बिल्कुल हैवी ड्रेसेस की तरफ हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि समर सीजन चल रहा था, लाइट कलर्स को हम लोगों ने पकड़ा है, कार्ड्स को हम लोगों ने पकड़ा, बिल्कुल फैब्रिक भी हमने रबिया का जो रबिया ब्रांड है उसमें भी ये माशाल्लाह हर फील्ड में काम कर रही है, फैशन इंडस्ट्री की बात हो, बहुत सारे इनके आपके फैशन शोज मैंने अटेंड किए हैं, और वो जो आपके एक समा होता है उससे मुझे एक चीज याद आ रही है कि मेरे साथ खान साहब शेर मियां दाद साहब हैं, और इन्होंने माशाल्लाह अब मैंने देखा है कि एक पॉजिटिव या इसको चेंज कहना चाहिए, अब आप ज्यादा सादगी की तरफ आ गए, और स्टार्ट में अगर देखें तो माशाल्लाह आपका पहचान थी, तो ये इसको किस तरह आप देखते हैं? क्या देखिए, चेंज होता रहता है इंसान को, सेम रहना ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल जिस तरह आप पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती, इस तरह इंसान को हमारे बुजुर्ग कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, जी जो आपको सूट करता हो वक्त के हिसाब से उस तरह चेंज होते जाना चाहिए। इसी तरह म्यूजिक जब मैंने स्टार्ट किया तो जिस तरह आपने फरमाया कि फोक नब्ज पे आता रखा, हाँ, कबूतर उस वक्त चिड़िया बोल दिया, नसीबा बोल दिया मेरा, बिल्कुल ऐसे ही जमीन मैली नहीं होती ये नात, और इस नात ने मेरा ख्याल है बहुत सारे नात खानों ने इसको पहचान दी, जीवन और गुसल देवा सरकार दे बड़े, तो वो एक था कैसेट का दौर था उस वक्त, तो उस वक्त उसकी जरूरत थी क्योंकि ब्लड के अंदर तो सारा क्लासिकल था, बुजुर्गों से था, लेकिन जब मैंने देखा कि कैसेट की दुनिया में लोग फोक को पसंद कर रहे हैं तो उस वक्त कवाली में फोक नहीं था, बिल्कुल, फिर ये सब कुछ जो भी होता है ना भजन ये होता है अल्लाह पाक की तरह से, अल्लाह ने राहें जो ना इंसान के लिए वो खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो जब अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है तो वो रास्ते साफ होते जाते हैं। सही, सही। अब इस चीज की जरूरत है, अभी जिस तरह मुझे फोर्स करते हैं लोग, अब मेरे गाने भी चले जी। कैसेट और सीडीज वगैरह सब आपको पता है, खान साहब के बाद सबसे पहले मैंने किया था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़े, उसके बाद इतना हिट हुआ, उसके बाद फिर राहत फतेह अली खान ने उसको दोबारा रिमिक्स किया, फिर मुझे लोगों ने कहा ऑफर भी हुई, मुझे इंडिया से ऑफर हुई थी, जूही बब्बर जो राज बब्बर जी की बेटी हैं वो इधर आई, उन्होंने कहा कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, मैंने कहा दुआ करें जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह इसमें मुझे सक्सेस करे, क्योंकि हमारे खानदान में नहीं है चीज़ का नहीं इलम, तो फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आएँ और उधर सिंगिंग करें, उस वक्त मेरे सही बताऊँ एक कव्वाली का एक सवाल था कि मैंने अपने करूँगा, लेकिन फिर अभी चाय में लेट हो गया हूँ, एक दौर होता है, तो मैंने सिंगिंग भी शुरू कर दी है, सही, सोलो सिंगिंग, जी सही। तो इसी तरह फिर जब इंसान को पता चलता रहता है तो वो सादगी की तरफ इसलिए आ गए, बस वो एक था कुर्ते वो एक लॉकेट और वो अंगूठियां, तो मैं अभी पहनता हूँ, ये मेरा शौक है। अच्छा, ईद के हवाले से बात करते हैं, आपके बचपन की ईद और आज की ईद जिस तरह आज हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, शेर मियां दाद का माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में नाम है, बहुत दुनिया आपके फैंस हैं, फैन फॉलोइंग है, लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप छोटे थे उस वक्त की ईद और आज की ईद को किस तरह कंपेयर? देखिए वो अच्छा लगता, अब एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना इंसान जिस तरह पढ़ के आता है, जब हाई लेवल पे आता है तो प्राइमरी का पता चलता है कि उधर मिस्टेक्स कौन सी थी या क्या था या क्या इंप्रूव, तो अब ये होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने, जब हम जिम्मेदार नहीं ना है तो हम समझे पंजाबी कहते वेले हैं, वेले हैं। जो इंसान जिम्मेदारी अल्लाह पाक जिसको सौंप दे, जो अपने काम में हो, जो डे नाइट काम करे, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे चूज किया है कि मैं ये काम करूं, और जब बच्चे फरमाइश करते हैं ना पापा ये चीज चाहिए ठीक है, तो वो कितना अच्छा लम्हा होता है, क्या कहने हैं, जब उनके लिए बंदा जाकर खरीदता है, उनके लिए सोचता है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जिंदगी अच्छी है, जो बंदा अपने मेहनत करके कमाई करके हक हलाल की, और अपने देने की बजाय जब देते हैं, देने का मजा ज्यादा है। सही
सही जनाब, ईद देने का और देने का नाम है जी। अब्दुर्रहमान माशाल्लाह आप तो ईदियां समेट भी रहे हैं, पर आपने अभी मेरी उम्र समेटने वाली है, देने वाले में माशाल्लाह। खान साहब की बातें सुन रहा था, वो जो इनके अंदर से एक वो जो बाप वाली थी ना कि बच्चों के साथ वो जो होता है, देखें कि वो असल में ईद तो जैसे हम पहली बात करते हैं कि औरतों की होती है या बच्चों की होती है, और वो बच्चों के जब वो मासूमाना ख्वाहिशें होते हैं कि हमने ये चीज खरीदनी है, वो खरीदनी का लफ्ज मेरा कल ना इस्तेमाल, लड़कियां लड़कियों की ईद होती है। अभी देखेंगे अभी यहां पे आप बिल्कुल लड़की जुमले शुरू हो जाएंगे। नहीं सब लड़कियां जी, सब लड़कियां, हमारी छोटी बहनें हैं बल्कि जी ठीक। अच्छा गौहर, अगर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम एक ट्रैक की तरफ ना जाएं, कैसे हो सकता है? एक ट्रैक की जानिब नहीं जाएंगे, क्योंकि खान साहब जब भी आते हैं ये बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आते हैं, बड़ी मुश्किल से। अभी भी मैं आज भी आपको बताऊं कि अभी इन्होंने एक और ट्रांसमिशन में जाना है। अच्छा। कल भी ये मेरे साथ थे, एक और चैनल पे हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो खान साहब आए और आते ही इन्होंने कहा कि यार गौहर जल्दी से ये जो ना ट्रैक मेरा ले लें, और उसके बाद इन्होंने बहुत दूर तक जाना था, और हम ये आप देखें कि इतनी मसरूफियत का आलम है, और आज फिर हमारे साथ मौजूद है, ये तो इनकी मोहब्बत है हमारे लिए। मेरे मुँह की बात छीनी और वही साहब से और आपसे, एक वैसे उनसे मुझे बिल्कुल थैंक यू। और फिर मैं कल भी मैंने एक बात की थी, जब अल्लाह पाक किसी को इज्जत दे तो फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई आपको कॉल करता है ये ना देखे चैनल कौन सा है, ये जगह कौन सी है, प्यार तो देखें किसी का, क्या बात है, बंदे को पहुंचना चाहिए। बंदा इस वक्त को जब अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह पाक ऐसा वक्त ले आ, जब आता है तो फिर नखरा क्यों आता है, नहीं आना चाहिए। ये मेरा मैसेज है फनकारों के लिए, केवल लोग फनकार जब खान साहब की जो सबसे बेस्ट बात है ना वो यही है कि इतने बड़े सुपरस्टार है, उनकी सादगी जो है, हम्बलनेस जो है ना वो अभी तक बरकरार है, जो स्ट्रगल करके आगे आए उसको सारी चीजों का पता होता है। फनकारों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब बिफोर द टाइम जब वो प्रे करते हैं अपने अल्लाह से, अल्लाह मियां में स्टार बना दे, तो फिर जब अल्लाह पाक उनकी अर्जी सुन लेता है उसके बाद वो ग्लासेस भी लगा लेते हैं। आपको नहीं कह रहा अच्छा उसके बाद जब उसके उनको कोई देखने लगता है गाड़ी में, वो अपना शीशा ऊपर कर लेते हैं, उस वक्त तो भूल जाते हैं कि आपने अल्लाह से यही दुआ की थी, अल्लाह और ये ना शुक्री है, इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा उस जो नशुकरा होता है फिर वो क्या होता है, फिर इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं, फिर वो प्ले ढूंढता है, फिर वो कोई मॉर्निंग शो ढूंढता है। क्या कहने के, बहरहाल आपने वो बात कर दी है, शर्मियादास भाई खान साहब आपने वो बात की है जिसका बीइंग अ होस्ट मुझे और हिना को और अब्दुर्रहमान को हमें अक्सर ये शिकायत रहती है, हमारे चूंकि सारे दोस्त हैं और हम ऑन एंड ऑफ एक ही फील्ड से हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त जरूर हैं जो ईद के हवाले से भी और बाकी प्रोग्राम से भी, ये वाली जो बात है ना शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो रेज किया, और जब आप देखें खान साहब कहेंगे तो इनका मैसेज जो है वो पूरी दुनिया सुनेगी, ज्यादा अच्छी तरह समझ भी आएगा। शेर अच्छा शेर लकी रानी सर्कस वाला शेर नहीं, अच्छा ठीक शेर है हाँ। कि खुदा को भूल गए फिक्रे रोजी में लोग, खुदा को भूल गए फिक्रे रोजी में लोग, ख्याल रिज़्क़ का है राज़िक़ का कुछ क्या, राज़िक़ का ख्याल ये होती है बेशुक्री, उस राज़िक़ का ख्याल जिसने पैदा किया उसका शुक्र अदा है जिसने ये। अच्छा खान साहब माशाल्लाह आपका खानदान जो है उसका फने कवाली के और फने मौसीकी के हवाले से पूरे बरसगीर में एक नाम है, उसमें आप आपके बड़े भाई का नाम ले लें, उस्ताद नुसरत अली खान साहब का नाम ले लें, आपके जो छोटे भाई हैं बाकी सिकंदर मियां दाद दोस्त है सारे अली भाई, ये सारे माशाल्लाह आप तमाम लोग फन की खिदमत कर रहे हैं जी जी। और ये आपके कि ये जो सादगी है ये चीज है, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की जात ने इतनी रिस्पेक्ट जी जो है वो इसी सादगी और इसी आपके को जो चाशनी है उसी का नतीजा है। तो खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो खान साहब से आज फिर हम दो दो ट्रैक जो है वो बढ़ते हैं जनाब खान साहब की तरफ, और ट्रैक जो है ना जबरदस्त। हाँ जी, एक मैंने सॉन्ग किया है तो वो है रोमांस है उसमें जी जी, तो वो सुनाता हूँ बर्फीला, फिर लास्ट पे रखेंगे। अच्छा खान साहब से हम, मेरा ख्याल है कि एक लाइव अभी ले लेते हैं और उसके बाद खान साहब, क्योंकि लाइव का वो आपसे तो हम बिला चीजें कह सकते हैं, वरना मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो यहाँ पे आते हैं वो इशारे कर रहे होते हैं लाइव नहीं भाई, क्यों नहीं लाइव, नहीं लाइव लाइव अगर साउंड कोई हंसे तो तुझे गम लगे हंसी न लगे के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे तू रोज़ रोज़
करे उठ के चांद रातों को खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह में आ कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो अक्ल को सोग मार देते हैं और इश्क को रोग मार देते हैं आदमी खुद ब खुद नहीं मरता बेवफा लोग मार देते हैं वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है मगर एक बार जमा कर तो देखो जमाने को अपना बना कर तो देखा हमें भी तुम अपना बना कर तो क्या कहने क्या कहने वंडरफुल अच्छा खान साहब माशाल्लाह आप तो जो चीज गाते हैं कमाल गाते हैं लेकिन डेफिनेटली आपको जो पहचान मिली वो भी आप देखेंगे फर्स्ट टाइम आपने वो एक फ्यूजन जो किया खासतौर पे फोक में कवाली जो है वो पेश की तो हम चाहेंगे कि हमारे नासरीन के लिए कोई फोक जो है वो भी सुनाए अच्छा जी एक थी दुआ जो अल्लाह पाक के उसके भी पीछे स्टोरी हो जी मैं सुनानी चाहिए अल्लाह पाक की जितनी रहमतें सुनानी चाहिए किसी जगह पे खड़ा था इधर ही तो कभी रिक्शे को हाथ दे रहा हूँ कभी क्या कोई नहीं रुक रहा तो मैंने कहा अल्लाह पाक ये सबको क्योंकि लोग गाड़ियों में बैठ के एसी चल रहा है बच्चे साथ जा जी। तो मैंने एक दुआ लिखी थी फिर अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया उस दुआ के बाद वो सुनाऊंगा नसीबा खोल दे मेरा मदद कर मेरी अल्लाह नसीबा खोल दे मेरा मदद कर मेरी अल्लाह नसीबा खोल दे मेरा मदद कर मेरी अल्लाह तू जिन्नू चावे देवे ये मर्जी तेरी अल्लाह नसीबा खोल दे मेरा नसीबा खोल दे मेरा मैं आजिज बंदा तेरा पंज तन पाक दा सदका तू कासा पर दे मेरा नसीबा खोल दे मेरा और ईद का जो रंग है उसको आपने एनहांस किया है बढ़ाया है उसके हाँ। साथ ही हमें बढ़ना है यहाँ पे टाइम है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे मजीद गेस्ट के साथ और मजीद सॉन्ग्स के साथ और बहुत सी गपशप के साथ सो मिलते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद देखते रहिए रॉयल न्यूज पर ईद रंग और एक दफा फिर हम सब की तरफ से ईद मुबारक